जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के उत्तमडीह गांव के 40 महिलाओं के समूह ने सरकारी संस्था JSLPS की मदद से न केवल रेशम किट का पालन कर रही हैं बल्कि रेशम धागा का उत्पादन कर नई मिसाल पेश की है। ये जो परियोजना है कटाई का एक काम शुरू हो गया है, फेज में 50 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक महिला एक महीने में 5 से 6 kg रेशम का धागा वो बनाएंगी। 3 से 3,500 का शुरुआत उनको लाभ मिलेगा। पिछले 2 वर्षों से जिले की ग्रामीण महिलाएं रेशम किट का पालन करती आ रही हैं। पहले इन महिलाओं को कम दाम में रेशम गोला बेचने को मजबूर होना पड़ता था, लेकिन JSLPS के सहयोग से अब इन ग्रामीण महिलाओं को रेशम धागों की उचित कीमत प्राप्त हो रही है। मेरा नाम है शीला मुर्मू, मैं MA पढ़ रही हूँ। अभी लॉकडाउन के लिए मैं घर में हूँ और हम लोग का गांव के बगल में जो रेशम का धागा निकल रहा है तो हम लोग यहाँ काम करने का मौका मिला है। संस्था के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण महिलाओं ने न केवल अपने लिए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है बल्कि यहाँ उत्पादित रेशम धागा को राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। एक बैलेंस बना रहे, धागे का टेस्टिंग सही तरीके से हो, मशीन सही से वर्क करे, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड मशीन है, पूरी तरह से ये मोटराइज्ड है और इसमें बहुत अच्छा धागा निकलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सही सही अच्छे से धागा निकले। और इसके बाद हम लोग रीरेलिंग करते हैं, रीरेलिंग का हमारा बगल में यूनिट है जो वहाँ पे भी यही महिलाएं वहाँ काम करती हैं और उसके बाद उसका लच्छा बनके ये मार्केट में सेल होता है। कुल मिलाकर इन ग्रामीण महिलाओं को रेशम किट ने नया संबल प्रदान किया है। समूह की महिलाएं आसानी से प्रतिमाह 4 से 5,000 रुपए की आय कर रही हैं।